बच्चे से लेकर क्लास फाइव तक के बच्चे को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसको मुफ्त स्कूल में दिया जाएगा, ताकि उसकी जो हवाई जरूरियात है अगर उनमें कोई कमी है तो वह पूरी हो। और जनाब स्पीकर, ये कोई सस्ता मंसूबा नहीं है, ये 27 अरब रुपए का मंसूबा है। लैपटॉप स्कीम को जो बंद कर दी थी इन्होंने, दोबारा शुरू करने जा रही है इंशाल्लाह ताला। पंजाब हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। अपोजिशन को अपनी कारकर्दगी से शिकस्त देंगे, पंजाब के अवाम पर पहली बार कोई टैक्स नहीं लगाया गया। गरीब का बच्चा महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो फीस मरीम नवाज देगी। वजीर आला मरीम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। मौली 27 अरब रुपए से तीसरी से पांचवी जमात के तलबा को मुफ्त दूध मिलेगा, क्लास वन तक फ्री खाना देंगे। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। अपनी हुकूमत में पंजाब की हर गली पक्की करके जाऊंगी, जल्द पंजाब भर में वाईफाई फराहम कर देंगे, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास वान मछली मंडी बना रहा, अपोजिशन अरकान का खूब शोर शराबा, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। हंगामा आरई की वजह से मरीम नवाज को कई बार खिताब भी रोकना पड़ा। अपोजिशन को जवाब देने के लिए हुकूमती अरकान की भी नारेबाजी। हंगामा आरई करने पर अपोजिशन के 11 अरकान पर 15 दिनों तक असम्बली इजलास पर शिरकत पर पाबंदी आयद। फॉरम 47 की वजीर आला को नहीं मानते, एहतजाज पहले भी किया आइंदा भी करेंगे, बैकडोर बातचीत नहीं करेंगे। बजट को 3 से 4 दिन हो गए, किसी गरीब को रिलीफ नहीं मिला। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज और रैलियां जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ वो गुंडागर्दी, वो बदतमीजी और वही अपनी रिवायात जो वो कर सकते हैं। एक ये आज तस्वीर के दो रुख देखे पूरे पंजाब ने और मीडिया के थ्रू आप सब ने दिखाए। एक तरफ था मुस्लिम लीग नून का वो कारकर्दगी खिदमत का ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरी तरफ गुंडे और वो दहशतगर्द जो 9 मई के भी जो है वो दहशतगर्द। बस बहुत हो गया, अब अपोजिशन जैसा करेगी वैसा भरेगी। 9 मई के दहशतगर्द हम पर हावी नहीं हो सकते, ऐवान के माहौल को खराब करना हमारा वतीरा नहीं। हम भी अपोजिशन में रहे लेकिन इन जैसी बदतमीजी नहीं की। तहरीक इंसाफ ना जाने क्यों पंजाब की तरक्की से जलती है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आरई पर वज़ीर इत्तला'आत हुसैन बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। किसानों के लिए अच्छी खबर, वजीर आला मरीम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज लाने का ऐलान। बोली 30 अरब रुपए से तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम शुरू कर रहे हैं। हर फसल के लिए बिलासूद 1.5 लाख रुपए कर्जा देंगे, बीज अद्वियात के लिए 1.5 लाख रुपए किसान को मिलेगा। वजीर आला ने पंजाब असेंबली के पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर का मुआयना किया। पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर अरकान असेंबली की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मावनत करेगा। 1 जुलाई से महंगी होंगे पेट्रोलियम मसनूआत, अगले 15 रोज तक पेट्रोल 7.54 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज। हाईस्पीड डीजल का रेट 9.84 रुपए फी लीटर बढ़ सकता है। कीमतों में रद्दबदल का हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे।